बरेली में पति की मौत के बाद किराए के मकान में 10 साल के बेटे के साथ रहने वाली एक शिक्षिका ने बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम को भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। कैंट थाना क्षेत्र के गांव काधरपुर में किराए के मकान में रहकर सर्वोदय इंग्लिश स्कूल में बच्चों को पढ़ने वाली शिक्षिका 30 वर्षीय वंदना पत्नी स्वर्गीय विवेक कुमार सिंह की लाश कमरे में पंखे से बंधे दुपट्टे के सहारे फांसी पर लटकी पाई गई। मृतका के परिजनों ने बताया कि वंदना 10 वर्षीय बेटे चिंकू की मां थी और उसका विवाह लखनऊ में हुआ था। विवेक कुमार सिंह से शादी लगभग 14 वर्ष पूर्व हुई थी। हाँ। आपकी कौन थी ये? बेटी ही हमारी। कहाँ रहती थी ये? लखनऊ। लखनऊ रहती थी। हाँ, बरेली में कहाँ रहती थी? लाल फाटक। क्या हुआ कल? फांसी लगाई, लेकिन मालूम कैसे लगाई हमारा। शादी कितने साल हो गए? 8-9 साल हो गए। अच्छा, पति है इनके? नहीं है ना, पहले ही खत्म हो गया।